फ्रेंड्स, दाइशिटी जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे। यानी आपके दिमाग में 3 प्रश्न तुरंत आ जाने चाहिए, और अगर उन 3 प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वो 3 प्रश्न कौन कौन से होंगे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो पहला प्रश्न ये है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं वो क्या होता है या किसे कहते हैं। अगर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं तो पहला प्रश्न ये हमारा बनेगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं, क्या जरूरत है या आप डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करने जा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है इसे कैसे करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, ये ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग लॉग का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लघुगणकीय अवकलन। अवकलन कर रहे हैं आप, अगर उसमें आपने लॉग का यूज कर लिया तो हो गया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दूसरा क्वेश्चन है इसका यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह समझेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पे करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने अभी तक कुछ पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन किए हैं, पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन। जैसे हम लोगों ने a पावर x का किया है, x पावर n का डिफरेंशिएशन किया है, e पावर x का डिफरेंशिएशन किया है, इनको हम लोग पावर फंक्शन बोलते हैं। अब अगर इन फंक्शंस को हम देखें तो इसमें एक बेस होता है, एक पावर होता है, यानी एक आधार होता है, एक घात होता है। अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों का हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया है, इनके फार्मूले हमने निकाले और उन फार्मूलों की मदद से हमने बहुत सारे डिफरेंशिएशन किए हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें तो जो आपका बेस है वो कांस्टेंट है और पावर जो है वो वेरिएबल है। इसकी बात करें तो बेस आपका वेरिएबल है, पावर आपका कांस्टेंट है। इसकी बात करें तो बेस आपका कांस्टेंट है, पावर आपका वेरिएबल है। यानी अगर इन तीनों फंक्शन को देखें तो या तो बेस कांस्टेंट है या तो पावर कांस्टेंट है, या तो बेस वेरिएबल है या तो पावर वेरिएबल है। यानी ऐसा हमें कोई भी फंक्शन देखने को नहीं मिल रहा है जिसमें बेस और पावर, आधार और घात दोनों के दोनों चर हों, वेरिएबल हों। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें बेस और पावर एक कांस्टेंट हो, एक वेरिएबल हो, एक चर हो, एक अचर हो, तो वहाँ पर हम लोग इन बेसिक फार्मूलों की मदद से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको कुछ क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जिसमें बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हों तो वहाँ पर हम इन फार्मूलों की मदद से डिफरेंशिएशन आसानी से नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं वहाँ पर हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। जैसे आपका फंक्शन कुछ इस तरह आ जाए x पावर x, यहाँ पर देखें तो बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए x पावर cos x, तो यहाँ पर देखें बेस भी वेरिएबल है, पावर वेरिएबल है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए tan इनवर्स x पावर sin x, तो यहाँ पर देखें बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इन बेसिक फार्मूलों की मदद से सॉल्व नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी बहुत ब्रॉड हो जाएगा, इतनी इजीली आएगा नहीं। तो जब भी हमारा क्वेश्चन या फंक्शन पावर फंक्शन हो और बेस और पावर दोनों के दोनों वेरिएबल हो तो वहाँ पर हम लोग लॉग का यूज करते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में बन रहा है तो वहाँ पर हम लॉग का यूज करते हैं। दूसरी बात, यदि आपका क्वेश्चन कोशेंट के फॉर्म में हो, यानी भागफल के रूप में हो, जैसे साइन एक्स बाई टेन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरह के हों, तब भी हम लोग यहाँ पर लॉग का यूज करते हैं। यानी अगर कोशेंट के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर भी हम लॉग का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि आपका क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म में दिया गया हो और एक के साथ कई फंक्शन जुड़े हों, जैसे लिखा हो x साइन x, कॉस x, टेन x,
इस तरह से कई फंक्शन एक साथ में प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हो यानी उनके बीच मल्टीप्लाई का निशान लगा हो, तो यहाँ पर भी हम लोग लॉग का यूज करते हैं। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला आप लगाएंगे, किन्हीं दो को एक करके लगाएंगे, किन्हीं दो को एक करके लगाएंगे, फिर आप उन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो लॉग का यूज तब हमको करना होता है जब हमारा पावर फंक्शन वेरिएबल फॉर्म में हो, जब हमारा क्वेश्चन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, कई फंक्शन एक साथ जुड़े हों, जब हमारा क्वेश्चन कोशेंट फॉर्म में हो, तब हम लोग लॉग का यूज करते हैं और फिर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो लॉग का यूज कहाँ पर होता है? इन सिर्फ इन तीन प्रकार के प्रश्नों में ही होता है लॉग का यूज। इस बात को ध्यान रखना है कि अगर आपको लॉग का यूज करना है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं तीन प्रकार के प्रश्नों में हम लॉग का यूज करते हैं, बाकी और कहीं पर हमको जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं कि इसको करते कैसे हैं, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे करते हैं ये हम लोग एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। फिलहाल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते समय हमको तीन फार्मूलों को दिमाग में रखना है जो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, बेसिक्स फार्मूले हैं लॉग के। पहला फार्मूला हमारा है लॉग बेस ई एम पावर एन, दूसरा फार्मूला है लॉग बेस ई एम इंटू एन, और तीसरा फार्मूला है हमारा लॉग बेस ई एम बाई एन। इन तीनों फार्मूलों को हम लोग ध्यान में रखेंगे और फिर इनका यूज करेंगे। तो लॉग एम पावर एन क्या होता है? एन लॉग एम होता है। लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। लॉग एम बाई एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। तो इन तीन फार्मूलों को हम लोग दिमाग में रखेंगे और इन तीन फार्मूलों की मदद से हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉग का यूज करेंगे। तो आइए समझते हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझेंगे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। जैसे आपको फंक्शन दिया गया हो साइन एक्स पावर टेन एक्स और कह रहा हो कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए या इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कीजिए, तो सबसे पहली बात तो जो आपका फंक्शन दिया होता है उसको हम लोग y के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, यानी इसको हम लोग बोलेंगे लेट y इक्वल टू साइन x पावर टेन x। अब यहाँ पर देखें तो ये पावर फंक्शन है और दोनों ही वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर हम लोग log का यूज करेंगे, तो दोनों तरफ हम लोग log ले लेते हैं। जब हम दोनों तरफ log लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपका हो जाएगा log y इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा साइन x पावर टेन x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो अगला स्टेप हमको क्या मिलेगा, log y इक्वल टू ये log m पावर n जैसा है तो टेन x आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा टेन x log साइन x, ये हो गया। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स टेन एक्स लॉग साइन एक्स, ये हो जाएगा। लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे, एक को छोड़ेंगे दूसरे का कर लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे पहले का डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो अगर आप लोग टेन एक्स को छोड़ देते हैं तो टेन एक्स को छोड़ेंगे तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई साइन एक्स, और साइन को हमने एक्स कंसिडर किया है तो साइन का फिर से करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, अब की बार लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे और टेन एक्स का करेंगे तो टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमें मिल जाएगा टेन एक्स इंटू कॉस बाई साइन, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स
log sin x, ये हो गया। अब देखें तो tan x है ये cot x है, इसको हम cot x को 1/tan लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो यहाँ पर हमको सिर्फ बचेगा 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ये हो जाएगा। y है इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा dy वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई वन प्लस sec स्क्वायर x log sin x। y की वैल्यू क्या है, sin x पावर tan x, तो y की प्लेस पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा sin x पावर tan x, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस sec स्क्वायर x log sin x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में कुछ नया रूल नहीं अप्लाई करते हैं, सिर्फ लॉग ले लेते हैं और क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आइए एक और एग्जांपल के द्वारा हम लोग समझते हैं कि लॉग को कैसे यूज करते हैं डिफरेंशिएशन में। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इफ़ y इक्वल टू x पावर साइन इनवर्स x देन फाइंड dy by dx, आपको dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन जो आपका दिया गया है y इक्वल टू x पावर साइन इनवर्स x, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन अगर बेसिक फार्मूलों की मदद से करेंगे तो इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेते हैं। जो आप लॉग लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा log y इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा log x पावर साइन इनवर्स x, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो log m पावर n, एक फार्मूला हम लोग log का जानते हैं, log m पावर n, और ये क्या होता है, n log m होता है। यहाँ पर अप्लाई कर देंगे x पावर साइन इनवर्स x में, ये n की प्लेस पर है तो ये आगे आ जाएगा, तो हमको अगला स्टेप मिल जाएगा log y इक्वल टू साइन इनवर्स x log x, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स log y इक्वल टू, राइट साइड में हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x log x, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें तो log y, फंक्शन आपका y का है, ऑपरेटर x का है, तो ऐसा डिफरेंशिएशन हमने किया है log y का, log x का 1 बाई एक्स होता है, तो log y का हो जाएगा 1 बाई वाई एंड dy वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। ऐसा डिफरेंशिएशन हमने कई किए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसा। यहाँ पर देखें साइन इनवर्स x और log x, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई का निशान है, यानी यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो प्रोडक्ट फार्मूले में क्या होता है, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लिया, फिर दूसरे को छोड़ दिया, पहले का कर लिया। यहाँ पर अगर हम पहले को छोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू log x का होगा 1 बाई एक्स प्लस, अब की बार पहले का करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, तो log x को छोड़ दिया, साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगला स्टेप क्या मिलेगा हमको, 1 बाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ये जो y है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो इधर डिवाइड करा उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो इधर हो जाएगा dy वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस log x ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। शुरू में हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू है x पावर साइन इनवर्स x, तो y की वैल्यू
x पावर साइन इनवर्स x पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x बाई एक्स प्लस लॉग x ओवर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा।